मेरा क्वेश्चन एक्चुअली कुरान की एक आयत से है जिसके अंदर गालिबन सूरह निसा के अंदर, जहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि निकाह की हुई औरतें तुम लोगों के ऊपर हराम है सिवाय इसके कि जो तुम्हारी मलकियत में आ जाए। तो इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत चाह रहा था कि अगर तो मलकियत में आ गई और फिर भी उसका निकाह, तो कुछ बात इखलाकी तौर पर समझ नहीं आ रही, और अगर वो पिछला निकाह टूट गया तो फिर भी कुछ बात अखलाकी तौर पे समझ नहीं आ रही कि जबरन तोड़ दिया गया। तो इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए, शायद मैंने इसको पढ़ने में भी गलती कर सकता हूँ। जी, आप इसको अगर देखना चाहें तफसील के साथ तो हमारे उस्ताद मौलाना अमीना हसन इस्लाही की तदब्बुर कुरान में भी देख लें, लेकिन मैं मुख्तसर जवाब दे देता हूँ। जो औरतें अरब में जंग में पकड़ी जाती थीं, उनके बारे में वहाँ का उर्फ या वहाँ का रिवाज ये था कि उनके निकाह ख़त्म समझे जाते थे। यानी अगर वो वापस चली गई हैं तो चली गई हैं, अगर वो अपनी आज़ादाना मर्ज़ी से किसी से निकाह करना चाहें तो फिर तलाक़ का तरीका नहीं था, तो इसको बाकी रखा गया, ख़त्म नहीं किया गया जब तक कि जंगों में पकड़े जाने वाली औरतों की ग़ुलामी का मामला ख़त्म नहीं हो गया। जो रिवाज पहले था वही रिवाज जारी रहा, यानी उनका निकाह खुद ब खुद ख़त्म समझा जाता था। जैसे हमारे यहाँ अदालत अगर डिग्री दे देती है तो तलाक़ के बगैर निकाह ख़त्म हो जाता है, तो उसमें यह था कि जंग हुई, कैदी पकड़ी गई औरतें, अब वो आज़ाद जिससे चाहे निकाह कर ले। ठीक है जी, वाजह हो गई बात। अगला सवाल है जी आप।